जीतने के लिए बिग बॉस में कोई कुछ भी कर सकता है, ये सना ने सबको पहले बताया था। सलमान सर तो यार तो वो तो पूरी जान है उस शो की। अनिल कपूर सर का ऐसा हो गया ना कि जब से वो आए यहाँ पे और वो होस्ट कर रहे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो घर जाके अपनी छाती के बल खुद ही नोच लेते होंगे, बोले मैं क्या किस में फंस गया। अनिल कपूर साहब कहीं ना कहीं मतलब वैसा जलवा नहीं बिखेर पा रहे, झकास वो मजा नहीं आ रहा जो भाई में मजा आता है। क्या बात कर रहे हो। शिवानी भी डिजर्व करती है, उनकी जो लैंग्वेज है नहीं आती। आज का जो जनरेशन हो गया वो 2024 का बहुत फास्ट जनरेशन हो गया है। गांव के लोग कहां से आ गए, जुओं वाली जुओं का जो शहर है पूरा गांव बसा है जिनके बालों में पूरा जुओं का, उनका भी उनको भी मुझे ऐसा लगता है वो बंदी थोड़ा अगर जीत जाए तो उसके सर के जो जितने भी डैंड्रफ है ना थोड़े बहुत पैसा है तो निकल जाएंगे। अरमान मलिक शो की जान ही नहीं है तो फिर देख के मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं देख नहीं रहा हूँ। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सीक्वेंस है जो मैं देख रहा हूँ जो मुझे ऐसा लग रहा है, तभी मैंने इतना दावे के साथ आपको कह दिया कि वह रणवीर शौर्य जीतेगा, क्योंकि काम उसका अच्छा दिख के आ रहा है। अरमान मलिक का तो बोलो नहीं, एक टाली पे दो कबूतरियां बिठा रहे हो। अभी ऐसा हो रहा है कि सना को रिटर्न में वही चीजें हिट बैक हो रही है जो अपने फ्रेंड से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लड़कियां होती है कुछ दिल से खेल जाती है, कुछ शो में खेल जाती है, और कुछ तो अपने चाहने वालों की नजरों में खेल जाती है। अरमान एंड उनकी वाइफ आई फील वो बहुत अनएजुकेटेड है ना, नेजी बॉम्बे 70 मारता पत्थर लंबी रेस का घोड़ा अगर कोई लग रहा है इसका विनर तो मुझे अपना नेजी बाय। वो धोखा है ना अपनों से ही मिलता है, आप जिसके साथ ज्यादा रहोगे ना वही धोखा देता है कि नेजी से सीखो आप रहते कैसे। हमारा नेजी बाय वो शाणा है नेजी को सब पता है क्या कैसा है। रणवीर शौर्य ने 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया कि ट्रॉफी मेरे लिए कोई मायने रखती, मेरे लिए 25 लाख सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रॉफी लेके क्या बोले मैं अचार डालूं, तो यार आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो एक ट्रॉफी का। तो जैसे कि बिग बॉस की सीजन में काफी ज्यादा ड्रामा चल रहा है और ऐसे में अब ये सीजन खत्म भी होने को आ रहा है, तो क्या लगता है परफॉर्मेंस वाइज कौन सबसे ज्यादा बेस्ट है? अगर परफॉर्मेंस वाइज रहता है तो मेरे हिसाब से रणवीर जी डिजर्व करते हैं, कि उन्होंने जो पूरे घर को ले चला है स्टार्टिंग से लेके अभी तक, और बाकी लोग भी डिजर्व करते हैं। उनमें से जैसे कि अभी दीपक भाई थे और उनके पहले जो सना सुल्ताना भी थी, मतलब उन्होंने गैंग अप नहीं किया, बट इन लोग का 4 टीम है, जैसे कि ये सना मकबूल है, शिवानी है, विशाल पांडे है और लव कटारिया है। और मुझे लव कटारिया भाई बहुत रियली लॉयल लगते हैं कि उन्होंने कभी गैंग बेसिस किए नहीं और उन्होंने पूरा गैंग अप किया, तो उन दोनों का टास्क पूरा अलग अलग हो गया दोनों का रह के। अगर कल के वीकेंड के वार की बात करें तो इसमें सना मकबूल और ये सब लोगों को उनकी फ्रेंड्स को टारगेट किया गया था, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट तो सना मकबूल हुई। और ऐसे में देखा जाए तो फ्रेंडशिप बॉन्ड है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सना मकबूल को वो सपोर्ट नहीं मिला जो कि उनको उनके अपने दोस्त से मिलना चाहिए था। हाँ, बट उनको सपोर्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि इन्होंने एक ही ग्रुपिज्म चलाया, और जब कोऑर्डिनेटर रूम के अंदर जब रणवीर भाई को पूछा गया था बिग बॉस की तरफ से कि आपको नॉमिनेशन के लिए किसके नाम अनाउंसमेंट करना है, तो उन्होंने 3 नाम दिए थे, एक विशाल पांडे, एक लव कटारिया और शिवानी कुमारी, क्योंकि उन्होंने अपने जो बेस्ट फ्रेंड थे जो अरमान मलिक, कृतिका भाभी और साई केतन, उन्होंने उनका नाम शो नहीं किया क्योंकि उनकी तरफ से उनका मतलब वो दुश्मनी मोड़ता या कुछ भी समझो। कि अगर विनर के हिसाब से अगर देखने जाए तो रणवीर जी डिजर्व करते हैं कि उन्होंने पूरे स्टार्टिंग से लेके घर तक को ले चला है, और ऐसे अगर देखने जाए तो लव कटारिया भी डिजर्व करते हैं जो लास्ट अभी स्टोरी उन्होंने डाली हुई थी अलविश यादव की। और अनिल कपूर ने अब की बार जो कहा है वो एकदम क्लियरली कहा है, अब की बार का जो वीकेंड का वार है सबसे बड़ा वार है, और उन्होंने उनको पूरा हिसाब से जो पूरा बिग बॉस के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उन लोग को समझाना था, कैरेक्टर्स को समझा लिया है। तो अब जैसे कि आज भी एक वीकेंड का वार होना है, उसमें ये होगा कि कह सकते हैं शायद कि 2 लोग कोई बाहर जा सकते हैं, क्या लगता है कौन हो सकते हैं वो 2? 2 लोग अगर हो सकते हैं या शिवानी कुमारी या विशाल पांडे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो सना और जितने भी वोट्स आए हैं वो समथिंग विशाल पांडे के भी समथिंग वोट्स आए हैं, और जो इनका ग्रुपिज्म था उनमें से लव कटारिया, विशाल पांडे एंड सना मकबूल ने, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने शिवानी को वोट आउट किया होगा। और बाकी जो रणवीर जी है, कृतिका भाभी है और अरमान मलिक है, उन्होंने भी वोट अगर डिवाइड भी किया होगा तो भी 2 वोट तो विशाल पांडे की तरफ से गए होंगे, और एक साई केतन का भी वोट है वो भी विशाल पांडे की तरफ, और जो रणवीर भैया का वोट है वो लव कटारिया की तरफ गया होगा 1 वोट। तो अगर मैं बात करूं शिवानी के इसकी, तो जो जिस हिसाब से वो खेल रही हैं बहुत अच्छा खेल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लोगों की और ऑडियंस ऐसा देख रही है, क्या वो कभी इस ग्रुप में कभी उस ग्रुप में वो 2-2 ग्रुप में खेलने की होशियारी से खेलने की कोशिश कर रही हैं?
शिवानी भी डिजर्व करती है, हाँ कभी ये ग्रुपिज्म चुना, ये कभी ये वाला चुना, बट वो क्या उनको उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनको पसंद नहीं आती कि आज का जो जनरेशन हो गया वो 2024 का बहुत फास्ट जनरेशन हो गया कि ये लोग सब गांव के लोग हैं, कहाँ से आ गए वगैरह। तो मैं भी चाहता हूँ कि शिवानी कुमारी अगर जीते तो एक जहाँ से वो आई हैं वहाँ का सबका प्राउड फील हो। और सबसे स्पेशली स्टोरी में उन्होंने बोला था थाराभाई जोगेंद्र करके है, बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है, और उन्होंने बोला था कि शिवानी कुमारी जीते, कोई गांव का बंदा जीते, क्योंकि एलविश यादव तो एक बार तो ट्रॉफी ले जा चुके हैं और एलविश यादव भी चाहते हैं कि अब की बार सेकेंड ट्रॉफी जो गुड़गांव में आए। तो इट्स मीन अगर फाइनली देखा जाए तो इस नेक्स्ट वीक फ्राइडे को फिनाले है, और ऐसे में आप किसको ट्रॉफी देना चाहोगे, किसको देखो? अगर फिनाले में अगर मैं देखना चाहूंगा तो रणवीर भाई और लव कटारिया को मैं देखना चाहूंगा। अगर पर जीतना कौन चाहिए? जीतना चाहिए तो लव कटारिया। लव कटारिया फुल्ली सपोर्टेड। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू यू क्या लगता है कौन जीत सकता है, मतलब और कौन अच्छा खेल? खेलते तो सब अच्छे ही है जब से बिग बॉस ये सब स्टार्ट हुआ है सीजन वन से लेके अब तक। तो सीजन वन से मैं जो देख रहा हूँ थोड़ा बहुत राहुल रॉय, फिर उसके बाद में अरशद वारसी, सब लोग पोस्ट कर रहे हैं। राहुल रॉय तो विनर थे पहले, और फिर जो मैंने ज़्यादा बिग बॉस अगर देखा है, अगर टीवी वाला मैं बात करूँ जो हम लोग टेलीविज़न पे लाइव देखते हैं, और ओटीटी का तो एक अलग होता है, तो वहाँ पे सलमान सर तो यार तो वो तो पूरी जान है उस शो की। लेकिन ये अनिल कपूर सर का ऐसा हो गया ना कि जब से वो आए यहाँ पे और वो होस्ट कर रहे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो घर जाके अपनी छाती के बल खुद ही नोच लेते होंगे, बोले मैं क्या किस में फंस गया, बोले अरे इससे अच्छी तो मैंने रेस 3 कर ली होती, वापस से एक बार रेस 4 कर लूँ तो बेहतर हो जाएगा। हाँ, लेकिन रही बात आप जो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, तो रणवीर शौर्य ऑफकोर्स, क्योंकि यार जिसका दोस्त टाइगर है, तब उन्होंने टाइगर 1, टाइगर 2, टाइगर 3 तीनों में भी काम किया है, तो जिसका दोस्त टाइगर है तो बंदा अपने उस शो में शेर जैसा धाड़ेगा तो सही। लेकिन एक मुझे तो लगता है वो भी एक निजी अपना रैपर गली बॉय, और रही बात वो जुओं वाली, जुओं का जो शहर है पूरा गांव बसा है जिनके बालों में पूरा जुओं का, उनका भी उनको भी मुझे ऐसा लगता है वो बंदी थोड़ा अगर जीत जाए तो उसके सर के जो जितने भी डैंडरफ है ना, थोड़े बहुत पैसा है तो निकल जाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर देखा हूँ जहाँ पर बैठ जाती ना वहाँ इंसानों की रेस और बिग बॉस की रेस कम होती है, जुओं की रेस ज़्यादा होती है ऐसा। अच्छा, तो अगर अभी बात करें कल के वीकेंड के वार की, तो सना मकबूल और ये सब लोग, सना मकबूल को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया, वहीं वो ये एक्सपेक्टेशंस रख रही थी कि उनके दोस्त लोग उनका साथ देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो इस पे लेकर आपका क्या कहना? सना को उबला हुआ चना दे दिया दोस्तों ने, ये तो अक्सर होता ही है, देखो प्यार एक धोखा है और दोस्ती भी अगर मिल गई तो फिर अच्छा मौका है, ये तो कहावत है लोगों की। अब देख अभी कल जो उनके साथ जो ये सब हुआ है वो तो अक्सर रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं, हर एक फ्रेंड कमीना होता ही है, आप कितना भी उस पर बिलीव करो लेकिन वही आपकी फिल्म बना देता है और रिलीज भी कर देता है, जो चलती तो नहीं उतनी लेकिन ठीक ठाक है। अब देखना ये है कि भी जो हुआ है, और अभी ये आखिरी वीकेंड है, मतलब ये जो OTT मैंने देखी है बहुत कम एपिसोड्स में ख़त्म हो रहे, वरना पिछले सलमान भाई ने भी जो OTT होस्ट किया था अच्छा खासा चला था, क्योंकि एक ब्रांड एम्बेसडर है वो वहाँ के, उनको खाली देखने के लिए लोग सिर्फ चालू करते हैं कि हाँ ये क्या बोल रहे, कि उनका एंग्री मूवमेंट, उनकी खाली हंसी काफ़ी है। अब यहाँ अनिल कपूर सर उतना नहीं संभाल पा रहे, जो एंग्री मूवमेंट आना चाहिए कि कंटेस्टेंट्स को मैं किस तरीके से हैंडल करूँ, वो अनिल सर नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा भी होता कि हाँ चलो सलमान सर सिकंदर में बिजी है और एक एपिसोड में भी एज एन खाली सिर्फ लोगों की वाट लगाने के लिए वो आ गए कि हाँ अनिल तेज से नहीं हो रहा मैं करता हूँ, और फिर आके वो मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर, वैसा भी हो जाता ना तो शो और थोड़ा बढ़ जाता था। लेकिन मे भी अभी जितने भी और आजकल में जितने भी और आएंगे तो देखते हैं उसमें क्या होता है, लेकिन मेरा तो होप है रणवीर शौर्य ही जीतेगा इस बार का। वैसे बात करें अगर सना मकबूल को कल एक टारगेट किया गया था इस चीज़ के लिए कि वो बहुत सबसे स्वीट बन के रहती हैं, देखा जाए तो उनका ये ऐसा अंदाज है कि वो सबसे स्वीट बन के और खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है? देखो यार लड़कियाँ तो होती है, कुछ दिल से खेल जाती है, कुछ शो में खेल जाती है, और कुछ तो अपने चाहने वालों की नज़रों में खेल जाती है। अभी जितना भी सना मकबूल को लेके जो भी बातें चल रही है, मैं तो काफ़ी इतना भी कुछ सुना हूँ, एक वो क्या नाम है उसका, अभी कुछ MMS लीक हुआ था उसके ऊपर भी, अरमान मलिक मतलब इतना अच्छे सिंगर है वो, म्यूज़िक कंपोजर है, और फिर यहाँ आके लोग अपनी जो इमेज की जो धज्जा जो मजाक उड़ाते हैं ना वो बहुत, फिर अभी वो इमेज उनकी फिर वैसी बॉलीवुड में रहेगी नहीं जो पहले थी, जो उनके अमल और अरमान मलिक का जो कॉम्बिनेशन था, जो गाने देते थे उन लोग, तो अब वो बात मुझे नहीं लगता कि वैसी रहेगी अब यहाँ पे, तो अब ठीक है देखते हैं जैसा। अरमान मलिक को लेकर आपका क्या कहना है, उनका परफॉर्मेंस आपको बिग बॉस में कैसा लग रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो एक विजडम है जो कि देखा गया है काफ़ी होशियारी से।
मैं सच बोलूँ तो मैंने अभी तक ना अरमान मलिक को सिर्फ खाली जो इंस्टा पे पोस्ट आते हैं बस उसमें देखा है, और एक दो एपिसोड में 30 सेकंड के लिए खाली मैंने देखा होगा, क्योंकि जहाँ पे गॉड ऑफ बॉलीवुड नहीं है आई थिंक, मतलब बच्चन साहब को तो बोला जाता है गॉड ऑफ बॉलीवुड, अगर हम अभी के हिसाब में अगर देखें तो बॉलीवुड के पिलर शाहरुख सलमान ये लोग ही है, क्योंकि आप देख सकते हो टाइगर पठान जवान ये सब फिल्में आई थी जो भी, तो जब तब शो की जान ही नहीं है तो फिर देख के मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं देख नहीं रहा हूँ। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सिक्वेंस है जो मैं देख रहा हूँ जो मुझे ऐसा लग रहा है, तभी मैंने इतना दावे के साथ आपको कह दिया कि वह रणवीर शौर्य जीतेगा, क्योंकि काम उसका अच्छा दिख के आ रहा है। अगर आप कभी भी OTT खोल के देख रहे हो जियो सिनेमा पे, तो आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ कोई एक बंदा तो जैसे खेल रहा है, जैसे MC स्टैंड ने खेला था, जैसे सिद्धार्थ क्या नाम है उनका जो दो, सिद्धार्थ शुक्ला आसिम हिंदुस्तानी भाव, वो एक दौर अलग था, जुबैर खान एजाज खान इन लोगों का एक दौर अलग था, और अभी जो है तो उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हिसाब से शिवानी हो गई और निजी भी अच्छा खेल रहे, मतलब एक तीर पे दो निशाने मार रहे, और अरमान मलिक का तो बोलो नहीं, एक टाली पे दो कबूतरियाँ बिठा रहे हो, और रणवीर शौर्य के लिए तो मैं ये बोलूँगा ही इज़ द बेस्ट, और मुझे ऐसा होप है कि वही जीतेंगे, क्योंकि टाइगर बॉक्स ऑफिस पे जीत गई तो यार टाइगर का दोस्त क्यों नहीं जीतेगा। बिग बॉस OTT सीजन में तो ड्रामा तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, लेकिन क्या लगता है कौन सबसे ज़्यादा अच्छा खेल रहा है? आई थिंक सना इज प्लेइंग प्रेटी गुड, सो या आई थिंक शी डिजर्व्स टू विन। कल का एक वीकेंड वार हुआ था जहाँ पर सना मकबूल को टारगेट किया गया था, और देखा जाए तो ये चार फ्रेंडशिप हमेशा साथ में रहती है, चार फ्रेंड्स पर, लेकिन ऐसा हुआ कि कल सना मकबूल को टारगेट किया गया लेकिन कोई उसका साथ। या आई थिंक विशाल प्लेड वेरी डर्टी, लाइक नॉट सपोर्टिंग हर बिकॉज ही शी हैज ऑलवेज टेकन अ स्टैंड फॉर हिम लाइक इन एनी केस, सो आई थिंक दैट वॉज अ बिट्रेयल फॉर हर। लव कटारिया से भी उनकी एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा थी सना मकबूल की, बिकॉज शी नोज कि विशाल नहीं करेगा, लेकिन उनको ऐसा था कि लव कटारिया जरूर करेगा, लेकिन उन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया, तो वॉट यू विल से? आई डोंट नो, आई डोंट लाइक हिम लाइक पर्सनली, आई डोंट लाइक हिम, सो नो कमेंट्स ऑन दैट। व्हाट अबाउट अरमान मलिक? अरमान मलिक को पता होगा ना जिनकी दो बीवियाँ? हाँ हाँ, उनका परफॉर्मेंस, आई जस्ट हेट दैट ड्रामा, सो या लाइक दैट इज वेरी लाइक आउटरेटेड, लाइक इट इज नॉट सपोर्टिंग ईच अदर, एंड पायल इज लाइक इतना उसके साथ हुआ फिर भी शी इज सपोर्टिंग हिम, दैट इज नॉट डन। ओके, कल के एक वीकेंड वार में ऐसा था कि सना मकबूल को जब टारगेट किया गया था तो अनिल कपूर ने एक वर्ड यूज़ किया कि वो बहुत स्वीट, मतलब सबसे यू नो बिहेव करती हैं हमेशा, वो एक होता है डबल फेस टाइप का, तो वो यहाँ से भी चलना वहाँ से भी चलना, तो उस पे लेकर आप क्या मानते हो, क्या रियल में सना मकबूल वैसी हैं? आई थिंक शी इज़ वॉट शी इज़, शी इज़ द स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल, तो वो ऐसे फेक नहीं करती है, वो जिनके साथ रहती है वो उन्हीं के साथ अच्छे से रहती है, और जो है वो मुंह पे बोलती है, सो आई लाइक दैट। व्हाट अबाउट शिवानी? शिवानी आई डोंट फॉलो हर दैट मच, आई एम सो नो। तो इट्स मीन दैट कि अकॉर्डिंग टू यू होम शुड टू गेट विन? आई गेस दिव्या, लाइक सना दिव्या जो भी है शी डिजर्व्स टू विन। बिग बॉस का जो कल का वीकेंड वार हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा धमाका देखने को मिला, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था कि सना मकबूल को टारगेट किया गया। अब आपको क्या लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है बिग बॉस के? बिग बॉस में आई गेस रणवीर शौर्य सबसे ज़्यादा बेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनको नॉमिनेशन भी कम मिलती है एंड उनके ज़्यादा चांसेस भी है कि वो टॉप टू तक जाएंगे एंड विनर भी हो सकते हैं मे बी, एंड जो विनर का चांसेस लगता है मुझे कि या तो कटारिया, रणवीर शौर्य या मकबूल, ये तीन एक जो होता है ना टॉप थ्री वाले, एंड विशाल पे बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लग चुके हैं एंड उसका इमेज भी ख़राब हो चुका है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको उतना वोट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रणवीर एंड कटारिया एंड मकबूल। मकबूल भी ठीक है, मतलब उसको भी उतना ज़्यादा तो इतना ये नहीं है, बट ठीक है, उसको भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं एंड वो अच्छा करती है, तो उसको भी जीतने का चांसेस है। कल का जो हुआ था वीकेंड बाद में, वहाँ पे चार दोस्तों को सबसे, मतलब चार दोस्तों में सबसे ज़्यादा सना मकबूल को टारगेट किया गया, और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें एक हिटबैक मिला है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस रख रही थी अपने फ्रेंड से कि वो उनका साथ देंगे, लेकिन उन्होंने भी धोखा दे दिया।
यस बिकॉज वो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कटारिया शिवानी और विशाल से रखती थी, बट जीतने के लिए बिग बॉस में कोई कुछ भी कर सकता है ये सना ने सबको पहले बताया था, एंड सना को वही मिल रहा है जो सना ने सबको पहले बोला था कि लाइक मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो अभी ऐसा हो रहा है कि सना को रिटर्न में वही चीज़ें हिट बैक हो रही है जो अपने फ्रेंड से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वैसे उन्होंने मतलब सना मकबूल के ऊपर ये भी एलिगेशंस लगे हैं कि वो काफ़ी स्वीट बनकर सबसे यू नो टू फेसेस वाला काम करती है। आई डोंट थिंक सो, बट होते हैं कुछ लोग जो लाइक वो दोनों चीज़ें कैरी करते हैं, मे बी इन देयर रियल लाइफ ऑल्सो, बट मैं इतना तो सना को इसके पहले नहीं जानती थी, तो मैं सना के बारे में ये कुछ नहीं बता सकती कि वो ऐसा सच में पहले करती थी या नहीं, बट वो करती है, दोनों साइड रहने की कोशिश करती है, बट फिर भी उसको जो अरमान की ग्रुप है, रणवीर है, ये लोग अवॉइड करते हैं कि ये हमारे साथ ना बैठे, ना बात करें, हम इससे हमको दूर रहना है। शिवानी का भी क्या आपको लगता है, कुछ कहीं ना कहीं उसका भी सेम हाल वही है कि वो यहाँ पे भी चलती है वहाँ पे भी? शिवानी ज़्यादातर आई गेस वो चुगली करने में रहती है, यहाँ की बात वहाँ, यहाँ की बात वहाँ, तो उसको कोई सीरियस नहीं लेता एक्चुअली बिग बॉस हाउस में, एंड वो फनी है, बट ऑब्वियस उसके फ़ैन भी इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़नी है, बातें करती है जो मिमिक्रीज करती है लोगों की, जैसे उसने गोलू के किए गुड्डू एंड गोलू की जो मिमिक्री की उसने, तो वो फ़नी है, बट विनर वो आई डोंट थिंक सो कि वो विनर होगी, बट अगर होती है तो ठीक है, बट उसके फैंस के लिए वो अच्छा है, बट आई डोंट थिंक सो, बट लेकिन वो फ़नी है। अरमान मलिक को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि वो जिस हिसाब से खेल रहे हैं ना, आई थिंक वो इतना ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद कह सकते हैं, आ रहा है नहीं आ रहा है वो अरमान मलिक लोगों को पहले से ही उनके पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं पसंद करते हैं लोग उनको, बट अरमान का सीन ऐसा है कि वो जो बिग बॉस हाउस में करते हैं वो लाइक एक होता है ना कि जो हूँ यहाँ पे मैं हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा कर रहा हूँ, उनको मैं वो एटीट्यूड दिखता है मुझे, एंड वो जब आए थे स्टार्टिंग में तो वो दो वाइफ के साथ, एंड वो तो उनका ये मोटो था कि हम तीनों में से कोई भी जीतता है तो ट्रॉफी हमारे घर जाती है। उन्होंने ये चीज़ कहा भी कल में कि मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर दो कोई जीते तो वो एक रणवीर होने चाहिए और एक मेरी बीवी कृतिका। यस, क्यों वो जब आए थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि मैं चाहूँगा कि मतलब हम तीनों, अगर तीनों में से कोई भी जीतता है तो ट्रॉफी हमारे घर जाती है, एंड इसके वजह से स्टार्टिंग में ही पायल को लोगों ने टारगेट किया क्योंकि ये तीनों अगर रहते हैं हाउस में तो चांसेस थे कि पायल जीत सकती थी, तो और पायल जीतती तो वैसे भी ये दोनों साथ में जीत ही जाते, इसके लिए लोगों ने सबसे पहले एलिमिनेशन पायल के वजह से ये हुआ था। अरमान मलिक को ऐसा देखा गया कि वो अक्सर वो हाथ उठा देते हैं, बहुत कुछ ज़्यादा भी बोल जाते हैं, जैसे उन्होंने एक दोगला शब्द यूज़ किया था वो विशाल को और लव कटारिया को इस चीज़ के लिए, जब वो यू नो ग्रॉसरी का मतलब बंटवारा हो रहा था राशन का, बिकॉज ये लास्ट वीकेंड वार है, तो ऐसे में देखा जाए तो उसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोला था, उस पर आपका क्या कहना है? अरमान एक मैं बोलूँगी कि वो अरमान एंड उनकी वाइफ आई फील वो बहुत अनएजुकेटेड है, प्रिटेंड करते हैं, इवन रेप के भी यू नो एलिगेशन, उनके ऊपर रेप के भी एलिगेशन है, वो मतलब प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो वे स्मार्ट है, वो दोनों प्रिटेंड करते हैं, बिकॉज इसके पहले भी मैंने कृतिका का एक कमेंट सुना था कि अनिल कपूर जी अगर मुझे चांस दे एक थप्पड़ रिसीव करने का तो मैं विशाल को मारती, रिसीव करने का थप्पड़ मतलब उनका सेंटेंस ही नहीं समझा, तो उनका लैंग्वेज ही वैसा है या फिर उनको आता ही नहीं है चीज़ें, प्रिटेंड करते हैं वो अच्छा बनने की, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इतने स्मार्ट। शुरुआती में कृतिका काफ़ी ज़्यादा यू नो अच्छा प्ले कर रही थी, बट लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो जैसे जैसे क्लोज आ रहा है मतलब बंद होने को हो रहा है, बट वो अभी उनका उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस दिख नहीं। कृतिका एक्चुअली इसके पहले जब भी एलिमिनेशन हुआ था चंद्रिका का, तो चंद्रिका दूसरों के मुद्दे में बोलती थी, तो कृतिका पहले अच्छा कर रही थी, शांत थी, बिकॉज अरमान था वो उसके बदले ये झगड़ रहा था, एंड अभी कृतिका को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें जो ज़्यादा हाइपर हो रहा है, जो ज़्यादा चिल्ला रहा है, वो मुद्दों में बना हुआ है, तो अगर वो शांत रहती है, ठंड पड़ती है, तो मे बी उसका एलिमिनेशन आ सकता है, बिकॉज अभी ज़्यादा लोग है नहीं और सबके अपने अपने मुद्दे हैं, तो कृतिका के पास आई गेस ये चीज़ होगी, या फिर अरमान ने बताया होगा कि तुझे ऐसा अब करना है, या तुझे बोलना पड़ेगा, तुझे अपने मुद्दे लाने पड़ेंगे, एक ही मुद्दे पे तू हमेशा नहीं विशाल के इस पे रह सकती, क्योंकि इसके लिए अनिल कपूर ने बहुत टोक भी दिया है सबको कि आप लोग एक ही मुद्दे पे कब तक बोलेंगे।
अगर ग्रुप की बात करें, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया कि वो दो ग्रुप बन चुके हैं, यू नो, एक लव कटारिया का और एक अरमान मलिक का, क्या रणवीर शौरी का अरमान मलिक के साइड रहना ये सही है? नहीं, अगर वो हेड ऑफ द हाउस है तो उनको दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए, बट वो पार्शियल है। बिकॉज वो पार्शियलिटी करते हैं और वो देखा भी गया है, पार्शियलिटी वो करते हैं। और अभी जो जब राशन की बारी थी तो उन्होंने घी भी दे दिया, दूध भी दे दिया, सब एक दूसरे को दे दिया, और वो लोग इसकी वजह से हाइपर थे कि हमको चाय भी नहीं मिलेगी। तो उनका मतलब ये पार्शियलिटी दिखती है, एक होता है कि आप पार्शियल हो बट आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे आपको पार्शियल नहीं होना है, तो वो फिर भी वहाँ पे दिख रहा है। अगर उनको हेड ऑफ द हाउस बनाया गया है फिर भी उनका पार्शियलिटी दिख रहा है। तो एट्समिन कह सकते हैं कि कल के वीकेंड वार में सना मकबूल को एक रियल फेस दिखा है और उनका दिल तो टूटा ही है, क्योंकि जो दोस्त से वो सबसे ज़्यादा उम्मीद कर रही थी उन्होंने ही उन्हें धोखा दे दिया। Yes. अगर ये ग्रुप प्ले होता तो मे बी वो लोग साथ देते, लेकिन ये इंडिविजुअल होता है तो वो सबको अपने बारे में जानना है, सबको खुद को जीतना है, सबको खुद को आगे बढ़ाना है, तो हुआ है उनके साथ। तो मतलब जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था अपने फ्रेंड्स से उन्होंने वो रिटर्न नहीं दिया, बट मतलब उनसे भी लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा शायद। उन्होंने तो अच्छा किया, मकबूल ने अपने फ्रेंड्स के लिए किया, जितना वो स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि तुम्हारा मतलब तुम ऐसे प्ले करती हो, तुम्हारा सब कुछ प्लान्ड होता है, तो वैसा कुछ नहीं लगा मुझे। मतलब वो बोलने के बाद फिर बहुत ज़्यादा एलिमिनेशंस भी मिले उनको, बट फिर भी मुझे तो नहीं लगा देखकर, लेकिन उनके फ्रेंड के साइड से जो एक्सपेक्टेशन थी उनको वो फुलफिल नहीं किया उनके फ्रेंड्स ने। वैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि अरमान मलिक ने इतना जो भी कांड किया है उसमें उन्हें एलिमिनेट कर देना चाहिए था, उनको बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं निकाला गया। क्या ये TRP की हो सकता है? बिकॉज अरमान के इतने फैंस हैं, कृतिका के फैंस हैं, वो भले एक अलग नज़रिए से देखते हैं लेकिन लोग उनको देखते हैं। अगर वो उसमें हाइपर हो रहे हैं तो, अगर जैसे हम अरमान ने एक उसका रील भी वायरल होता है ना कि वो हाइपर हुआ है, तो रील में तो लोग देखते ही हैं बट उसके बाद वो जाके पूरा शो भी देखते हैं कि क्या हुआ। एक्चुअली मैंने खुद ने भी ऐसे ही देखा था कि क्या हुआ। तो ये हो सकता है कि कृतिका और अरमान और बाकी भी और भी जो, देखो उसमें जितने लोग गए हैं ना, कृतिका और अरमान सबसे ज़्यादा फेमस पहले से रहे, बाकी लोगों को कोई जानता नहीं था। तो ये लोग TRP का रीज़न हो सकता है। आज के वीकेंड वार में दो लोग को एविक्ट करने वाले हैं, बाहर जाएगा कोई, कौन लगता है कौन है वो दो? आई गेस विशाल और शिवानी। ये मैंने बहुत लोग से सुना, ऐसा क्यों? बिकॉज कटारिया है जो लड़ता भी है और वो बहुत ज़्यादा इसके पहले एलिमिनेट भी हुआ है और वो बच भी गया है, तो उसके चांसेस अभी भी ज़्यादा है कि वो बच जाए। बट अगर इसमें तीन ही लोग हैं, अब उसमें से कटारिया का पलड़ा भारी है और बाकी जो दो लोग हैं इसमें शिवानी एंड विशाल, ये जा सकते हैं। विशाल के चांसेस पहले नहीं थे बट ये कृतिका वाले सीन के बाद से उसके चांसेस ज़्यादा हो गए एलिमिनेशन के। या लास्ट नॉट लीस्ट आई से कि कौन लगता है फाइनली कौन जीत सकता है, हु इज द यू नो हु डिजर्व्स? सो देयर आर टू नेम्स, मे बी रणवीर और सना। मतलब और अगर इन दोनों में से भी देखा जाए रणवीर। बिग बॉस OTT सीजन में कल का वीकेंड वार में तो बहुत बड़ा धमाका हुआ है, क्या लगता है परफॉर्मेंस वाइज सबसे ज़्यादा अच्छा कौन कर रहा है? परफॉर्मेंस वाइज मुझे यहाँ पे सिर्फ मतलब दो से तीन लोग डिजर्विंग लग रहे हैं, एक तो अपना नेजी बॉम्बे 70 मारता पत्थर सबको, एक तो वो थोड़ा मतलब लग रहा है कि हाँ लंबी रेस का घोड़ा था और अभी तक एलिमिनेट भी शायद एक ही बार हुआ है वो, उसके बाद एलिमिनेट नहीं हुआ एक्चुअली, उसको जो मतलब निकालते नॉमिनेट हुआ है एक ही बार हुआ है, एलिमिनेट नहीं हुआ है, नॉमिनेट एक ही बार हुआ है। बाकी और भी है, अरमान है, अरमान की वाइफ है, और विशाल पांडे है हमारे वो 51 साल के टाइगर, उनका नाम क्या है, नाम भी भूल गया मैं उनका, जी रणवीर शौरी है। तो ये सब है थोड़े लंबी रेस के घोड़े है बट ज़्यादा सर्वाइव नहीं करने वाले, क्योंकि इस बार का मतलब बिग बॉस OTT भी फ्लॉप ही है विदाउट सलमान भाई के, तो यार अनिल कपूर साहब कहीं ना कहीं मतलब वैसा जलवा नहीं बिखेर पा रहे, झकास वो मज़ा नहीं आ रहा जो भाई में मज़ा आता है, क्या बात कर रहे हो तो देखते हैं अभी क्या होता है। जो वीकेंड के वार में हुआ वो तो ट्रू बोलूँगा कि मैंने देखा नहीं है, अभी देखूँगा जियो पे, सो आगे देखते हैं अभी कैसा होता है। बट लंबी रेस का घोड़ा अगर कोई लग रहा है इसका विनर, तो मुझे अपना नेजी बाय।
वैसे कल एक ऐसा हुआ कि वीकेंड वार में सना मकबूल जो कि चार अपनी उनकी एक दोस्त की गैंग थी चार लोगों की, वो सबसे ज़्यादा बिलीव यू नो विशाल और लवकेश कटारिया और शिवानी पे करती थी, लेकिन कल के वीकेंड वार में उन लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया, तो उस पर आपका क्या कहना है? यार देखो, धोखा है ना अपनों से ही मिलता है आप जिसके साथ ज़्यादा रहोगे ना वही धोखा देता है, तो मेरा तो बोलना है कि नेजी से सीखो आप रहते कैसे, कम बोलना, हाँ करना, हाँ बोलना, ज़्यादा मसलों में नहीं पड़ना, अपना जो गेम है वो दिखाना, तो धोखा तो अपने ही देते हैं। और जो उन्होंने क्या कहीं ना कहीं गलत किया, चाहे वो कटारिया हो या फिर वो लॉन्ग हेयर वाला हो, पता नहीं उसका विशाल हो, तो मतलब गलत किया उन्होंने, देखते हैं गेम कैसा होगा अभी आगे। वैसे सना मकबूल को ये भी एक टैग दिया है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट बनकर लोगों के साथ में यू नो गेम खेलती हैं, टू फेसेस का, दोगले। सना मकबूल का एक्चुअली ना मैंने गेम इतना देखा नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा बिग बॉस ओटीटी फॉलो नहीं करता हूँ, बट थोड़ा जहाँ तक देखा है ना कहीं मुझे मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए मतलब लोगों का यूज़ करती है। कभी नेजी के साथ उसका मैंने मतलब बॉन्डिंग देखा हो कि नेजी के साथ ज़्यादा बैठेगी, उसको पता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग कंटेंटर को ज़्यादा ये करूँगी तो शायद मैं भी आगे उसके कंधे पे हाथ रख के मैं भी थोड़ा आगे चली जाऊँ, बट ऐसा नहीं होता। हमारा नेजी भाई वो शाणा है नेजी को सब पता है क्या कैसा है, तो सना कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता है कि हाँ किसी फ़ायदा उठाकर आगे जाने की कोशिश करती है। तो जो टैग दे रहे हैं जनता जनार्दन है, लोगों को पता है, लोग फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस, और मैं तो खास सलमान भाई की वजह से फॉलो नहीं कर रहा हूँ यार ज़्यादा, अभी जो फॉलो कर रहा हूँ थोड़ा बहुत नेजी की वजह से, वरना मैं इस बार का बिग बॉस देखता नहीं। एक तो वड़ापा वाली गल आई, फिर अदनान 07 आया जो 7 डेज में बाहर आ गया, तो मतलब बहुत से ऐसे लोग आए गए, मतलब मज़ा नहीं है, सिर्फ जो नेजी का जो निकल कर आया है ना भाई साहब उसका ही देख के मजा आ रहा है बिग बॉस। अरमान मलिक को लेकर क्या कहना है, जो अपनी बीवी के साथ में वो खेल रहे हैं, उनका जो गेम है वो प्ले करना फेयर लग रहा है? सबसे पहले तो उसका नाम यार अरमान मलिक नहीं है, वो एक मतलब पंजाबी है, उसने अपना नाम रख लिया अरमान मलिक, और दो दो वाइफ है, एक नॉमिनेट हो चुकी है, एक एलिमिनेट हो चुकी है और एक अभी है, और रणवीर शौरी ने इस बार 3 लोगों को नॉमिनेट किया था, तो उसके अंदर आई थिंक लव कटारिया थे, विशाल थे, एंड वो हमारी गाँव की छोरी जी शिवानी थी, हमारी छोरी छोरों से कम है के वो वाली थी, बट अरमान को कहीं ना कहीं उसने सेव किया, तो ये चीज़ गलत है। आप किस आप मानता हूँ कि आप घर के बड़े मुखिया हो, आपके घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट कोई अगर नॉमिनेट है तो उसको पार्शलिटी का, हाँ आप उनके साथ नहीं बैठते हो, आप इनके साथ बैठते हो, उसके बावजूद आप उनको नॉमिनेट कर रहे हो और उसको सेव कर रहे हो, तो वो गलत है। तो मुझे लगता है ज़्यादा लाइफ नहीं है ये लोगों की, क्योंकि इस बार का बिग बॉस भी कैसा है ना, उतना मतलब जनता नहीं जमा कर पाया, इतना हाइप नहीं बना पाया जिस तरह से ओटीटी एल्विश के टाइम पे भी आया था ना बिग बॉस, और इसके पहले या उसके बाद वो जो हमारे एक और बंदे आए थे जो बहुत जल्दी निकल गए थे, मतलब जो भी 2 सीजन थे ना वो अच्छे थे, ये वाला मज़ा नहीं है। अरमान मलिक को ऐसा लग रहा है कि TRP के लिए रखा गया, क्योंकि देखा जाए तो वो 3 बीवियों के साथ, मतलब 2 बीवियों के साथ में एंटर होते हैं, फिर जिस हिसाब से वो गेम खेल रहे हैं, यहाँ तक कि विशाल को उन्होंने थप्पड़ भी मार दिया था फिर भी उनको बाहर नहीं निकाला गया। बिग बॉस कैसा हो गया यार, मतलब TRP की सारी हदें ना पार हो गई इस बार बिग बॉस में, जितनी भी मतलब धक्का मारा किसी ने हाथ उठाया, पहले के सीजन में कोई अगर धक्का मारे हाथ उठाए तो वो एलिमिनेट हो जाया करता था, अभी तो मतलब वैसा भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि अभी बिग बॉस को TRP नहीं मिल रही है, अब TRP के लिए इतना कुछ कर लिया, धक्का मार लिया, गालियां दे दिए, वड़ा पाव गल को बुलाया, इसको बुलाया, उसको बुलाया, अरमान मलिक की दो दो वाइफ के साथ बुलाया, सारे इन्फ्लुएंसर जमा करके भी मैं वही बोलूँगा कि बिग बॉस उस हाइप तक नहीं पहुँच पाया जहाँ पे पहुँचना चाहिए था, तो मुझे नहीं लगता कि ये अप टू मार्क है इस बार का बिग बॉस, और फटाफट ख़त्म कर रहे लोग, अभी देखो कितना, जैसा लास्ट वीक में अदनान और एक बंदी को और सना सुल्तान को निकाल दिया एक टास्क के लिए, तो बहुत फटाफट वो लोग मेरे ख्याल जब 2 हफ्ते में विनर, दिस इज लास्ट वीक, अच्छा ये लास्ट वीक है क्या, देखो मैं बोल ही रहा हूँ और ये लास्ट वीक ही है, तो सोचो TRP कितनी डाउन है, अभी मेरे ख्याल से मंथ के ऊपर ही हुआ स्टार्ट होके, ऑलमोस्ट 40 डे प्लस तो जाता ही है बिग बॉस OTT, बट अभी ये उसके ऊपर भी नहीं है बिकॉज ऑफ TRP नहीं है शो में, और अनिल कपूर वो नहीं कर पा रहे, खाली क्या होता है वाइस से। वैसे रणवीर शौरी को लोग पसंद कर रहे हैं और ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि वो ट्रॉफी जीत सकते हैं बिग बॉस,
नहीं यार वो नहीं जीतने वाला, मुझे मतलब 101% पता है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यार मेरा नाम शाहिद है, मैं मतलब सपोर्ट करता हूँ, एक कम्युनिटी को सपोर्ट करता हूँ। आप सोशल मीडिया पर भी देखोगे ना, जो नेजी का जो मतलब बंदे का जो एक्सप्रेशन रहता है, जिस तरह की उसकी जो मतलब दिन भर की रूटीन रहती है, वो बैठा हुआ रहता है, कभी सो रहा है, कभी देख किसी को यूँ देख रहा है, अरे मतलब एक एक चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी मतलब धर्म का हो, वो नेजी को सपोर्ट कर ही रहा है सोशल मीडिया पर, क्योंकि मैं एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पर, तो देखता हूँ। तो मुझे लगता है रणवीर शौरी टफ करेगा, टॉप टू में मैं ये कह सकता हूँ कि टॉप टू टॉप थ्री में शायद रणवीर शौरी आए, बट विनर नेजी ही होने वाला है, क्योंकि यार जिस तरह की उसकी जर्नी रही है ना, जिस तरह से गली बॉय से रणबीर कपूर रणबीर सिंह ने उसकी मूवी बनाई थी, उसके बाद जोया अख्तर और रणवीर सिंह की गली बॉय जब आई थी, वो मूवी आने के बाद नेजी मतलब खो गया यार, लाइमलाइट में था ही नहीं। और नेजी ने मतलब क्लेरिफाई भी किया, एक इल्लूमिनाटी करके है जो मतलब एक फ्रेंचाइजी है बहुत बड़ी, जहाँ से दानिश जैन भी आता था, और मैंने सुना हो कि उस नेजी को अप्रोच किया गया था इल्लूमिनाटी के लिए, तो वो नहीं बनना चाहता था वो, तो इसलिए वो गायब हो गया। तो उसी चीज़ों से लड़ रहा है वो, उसी चीज़ों से मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है, उसी चीज़ों से संभल रहा है। उसके बाद वो इतना आना, इतना वापस बढ़ना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, तो मुझे उसकी लाइफ जर्नी काफ़ी इंस्पायर करती है उस चीज़ से, और लगता है मुझे ऑडियंस पसंद कर रही है, क्योंकि यार वो कुछ फेक नहीं है। आप अपने आप को ना एक दिन फेक दिखा सकते हो, दो दिन फेक दिखा सकते हो, तीन दिन फेक दिखा सकते हो, बार बार मतलब आप अंदर से कुछ और नहीं, जो आपके अंदर है ना वो कभी ना कभी बाहर आना ही है, और उसका बाहर वो आया ही है, वो जो था जैसा था वो है और वैसा ही रहेगा। और रणवीर शौरी ने दो दिन तीन पहले एक स्टेटमेंट दिया कि ट्रॉफी मेरे लिए कोई मायने रखती, मेरे लिए 25 लाख सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रॉफी लेके क्या बोले मैं अचार डालूँ, तो यार आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो एक ट्रॉफी का। माना पैसा आज के लिए पैसा सब कुछ है, बट ट्रॉफी की भी रिस्पेक्ट करो। तो वो स्टेटमेंट उनको कहीं ना कहीं देना नहीं चाहिए था, तो थोड़ा सोशल मीडिया पर भी वो चल रहा है। तो नेजी मेरे हिसाब से तो नेजी है, आप लिख के ले लो नेजी जीतेगा। ये आज के वीकेंड वार में दो लोग को बाहर निकाला जाएगा, क्या लगता है कौन है वो दो? दो लोग मेरे को क्या लगता है पता है, एक तो इन्फ्लुएंसर जाएगा लॉन्ग हेयर वाला, जी विशाल पांडे वो जाएगा, और दूसरा जो गांव की अपनी छोरी है ना शिवानी। कोई यही कह रहा है विशाल और शिवानी, ऐसे क्यों? मुझे हर किसी का तो पता नहीं, मैंने सुना नहीं, मैंने अपने मतलब दिमाग से बोला, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि गेम चेंज होकर किसी और को निकाल दे, बिकॉज अरमान को तो अभी तक रखा है और ये सब नहीं, क्योंकि वो तो डिसाइड हो गया ना, अगर कुछ टास्क होता तो हम बोल भी सकते कि कुछ चेंज होने वाला है, बट शौरी के हाथ में था, उसने तो नॉमिनेट कर दिया जी, तीन लोग का नाम लिया था, लवकेश, विशाल और शिवानी का, तो अब ऐसे में विशाल और हाँ मैं लवकेश को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत मतलब अगर लास्ट वीक भी है ना, जो अभी लास्ट वीक चलेगा ना, तो उसके अंदर थोड़ी ना थोड़ी बहुत TRP चाहिए, थोड़ा फाइट वाइट चाहिए, थोड़ा एंटरटेन चाहिए, और लवकेश में वो है, तो टॉप थ्री टॉप फोर में लवकेश हो सकता है। बाकी अरमान और अरमान की वाइफ अभी जाने वाली है, आप देख लो नेक्स्ट वीक में गारंटी, और टॉप फोर में यही रहेंगे, एक रणवीर शौरी, फिर एक अपना नेजी तो वन पे रहेगा, सेकंड पे अरमान शौरी रहेगा, रणवीर शौरी रहेगा, और थर्ड पे ये हमारे जो आज नॉमिनेट नहीं होने वाला है वो रहेगा लवकेश, और चौथा कोई हो सकता है, देखेंगे बाकी तो।